हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का इस नए वीडियो में। तो आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि हम लोग जाने वाले हैं गोरखपुर और हमें करनी है आज शॉपिंग, क्योंकि कुछ दिनों बाद ही हम लोग को जाना है मामू के ससुराल, क्योंकि वहां पे है मामू की इंगेजमेंट जिसे हम लोग छेकैया भी कहते हैं। चलेंगे गोरखपुर, फिर वहाँ शॉपिंग करेंगे। तो आज का दिन ऐसे ही कुछ होने वाला है कि शॉपिंग वॉकिंग चलती रहेगी हमारी। तो आगे देखते हैं, वीडियो में मिलते हैं आप लोगों से, वीडियो में बने रहिए आखिरी तक। ये फैशन है हाथ, अच्छा ये उड़ता रहेगा क्या? उड़ता रहेगा ऐसे सर। आज मेरे शर्ट का वही हाल था, ऐसे उड़ा रहा था वो। देखिए दोस्तों, सुंदर है ना दोस्तों, कपड़ा ज्यादा सुंदर लग रहा है इंसान पे। मन्नत भी अपने कपड़े देख रही है, लेना है नहीं लेकिन पता है सबको। जैसा कि आप लोगों ने देखा, लोग शॉपिंग करके निकल गए यहाँ से और शायद एक जगह और जाना पड़े हम लोग को कपड़े लेने के लिए ही, क्योंकि यहाँ उन लोग को इतना इंटरेस्ट दिख नहीं रहा था कपड़ों में। फिर भी उन्होंने एक घंटे से ऊपर लगा दिया इतना कम इंटरेस्ट होने के बाद भी। तो जा रहे हैं अभी दूसरी जगह, वहाँ पर भी शॉपिंग करनी है, फिर रिंग लेने जाना है, इसके बाद कॉस्मेटिक्स के सामान लेने हैं। तो चलिए जुड़े रहिए आप वीडियो में, आगे देखते हैं क्या होता है। अरे भाई तो नॉन जाना बता जाए, कौन फिर मिला दिया झुमके और देखो हम लोगों ने रिंग खरीद ली है और मामू जो हाथ में लेके चल रहा है। अभी हम लोग जा रहे हैं किसी कॉस्मेटिक्स की दुकान पे, वहाँ भी हम लोग आपको आगे दिखाएंगे क्या हो रहा है। आधी शॉपिंग हो चुकी है दोस्तों, आधी शॉपिंग बची है, अभी अपन पहुँचे इधर वॉकवे में। अब मामी के लिए पर्स खरीदना है, बाकी और कॉस्मेटिक्स के सामान लेने हैं। तो अभी हम लोग चल रहे हैं पर्स लेने अंदर, ये लोग पहुंच गए हैं, मैं ही लेट हो गया हूं, तो चलते हैं अंदर देखते हैं। यहाँ मेरे साथ मन्नत अभी जुड़ चुकी हैं, बहुत ही मुश्किल से इनका टाइम मिला है, बहुत ही ज़्यादा शॉपिंग में मशहूल थी ये, मुश्किल से इनका इंटरव्यू लेने का हमें मौका मिला। तो हम इनसे अब दो तीन सवाल जवाब करना चाहते हैं। तो बताइए मन्नत साहिबा, कैसा लग रहा है आपको शॉपिंग करके? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, बस अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है और कुछ नई नई चीज़ें देखने के लिए मिल रही है मुझे, अच्छा ही है। और आपने अपने लिए क्या खरीदा है? कुछ भी नहीं। अपनी तरह कुछ नहीं? आपके हाथ में क्या है फिलहाल? ये पॉलिथीन में लेके क्या बैठी है? ये मेरी भेलपूरी है। भेलपूरी? गाइस मैं थक चुका हूँ, एक और टूट गया हूँ, एक और अहम आदमी हम लोग के साथ जुड़ गए हैं, मेरी वजह से आप लोग ये कर रहे हैं। व्लॉगिंग हम लोग कर रहे थके ही हैं। व्लॉग करने से कौन थकता है भाई? आप लोग वीडियो में देख के जज कर सकते हैं किसने कितना काम किया है। मैंने सबका एक एक आदमी का एक एक काम दिखाया, आप लोग वीडियो में देख के जज करिए। मैं मतलब कितना काम, गाड़ी चला रहा था मैं बैठा था काफी देर से। आदमी जब बैठा रहता शांत रहता बहुत ज्यादा थकता है वो। तो ये आपकी गलती है भाई साहब, आप शांत क्यों बैठे थे? आपको कूदना चाहिए। मुझे कहा गया है कि बोलने आप बोले, कुछ खा लूं। देखिए दुकान में ही बैठ के इन लोग का चालू हो गया है, भेल बुरी सबर नहीं हो रहा इन लोगों को, भूख बहुत जोर की लग रही है गाइस, क्या कर सकते हैं दोस्त। यहाँ हम लोग को बस
पर्स खरीदना था और सैंडल पर्स भी तो खरीदना था, सैंडल भी खरीदना था। तो यहाँ तो अभी समझो कि 60-70% ही काम हो रखा है और अब से तो रात लंबी होने वाली है काफ़ी ज़्यादा हम लोगों के लिए। देखते हैं आगे क्या होता है। बात तो ठीक है, बाकी अभी जो लगता है घर पहुँचते पहुँचते लोगों को 11-12 तो बज ही जाएंगे। तो जुड़े रहिए आप लोग वीडियो में आके, देखते हैं क्या चलता है। हम लोग थे मोची में और हम लोग पर्स ले रहे थे मामी के लिए और एक दो पर्स पसंद आ गए हम लोग को। ये पसंद आया तो अब यहाँ से निकल रहे हैं। पसंद है पर्स हमने खरीद लिया है, स्लीपर्स भी खरीद लिए हैं, दो तीन सामान और रह गए हैं उनको खरीदना है। नानू देख के हंस रहे थे मुझको। तो दो तीन सामान और रह गया है उसे खरीदना है, उससे खरीदेंगे फिर कुछ खाएंगे और निकल जाएंगे घर। शॉपिंग करते करते देखो यार एनर्जी कितनी लो हो गई है, बोला नहीं जा रहा है सही से, पर कोई नहीं अंदर देखो आप कौन कौन है। तो चलते अभी दूसरी जगह, वहाँ दिखाते हैं आपको हमें वहाँ से क्या खरीदना है। देख रहे हो गाइस मोल भाव करने का तरीका है सब। तो अभी लग गई थी थोड़ी सी भूख, हम लोग आ गए हैं चिकन रोल खाने, पेट पूजा करेंगे पहले। तो उन लोग को छोड़ दिया गया, वो लोग गए बाकी अपना ये कौन सा वाला पुट्टी वाला काम, पुट्टी लीपा पुट्टी वाला काम लेने वो लोग गए और हम लोग गए। अभी थोड़ा सा सोचा है पेट पूजा कर लिया जाए, बाकी उसके बाद अभी हम लोग को जाना है थोड़े से कपड़े जो जेंट्स वाले लेने वो हम लोग लेंगे। क्यों कहते हो? बस बाकी बस दो ही काम बचा है। ये बड़ा जल्दी कर दिया लेकिन हम लोग ने, रात पहले ही हो गया। कितना बज रहा भाई? 6:30 बज रहे और हम लोग ने सारे काम ख़त्म कर दिए। तो अभी आए हुए हम लोग अपना क्या लेना है, मैंने कपड़ा खरीद रहा हूँ शेरवानी के लिए। शेरवानी सिलवा गया आज, शेरवानी सिलवा लो सिलवा। जो छोटी मोटी शॉपिंग हम लोग के नाम की वो भी हो चुकी है, सारी पसंद मेरी है इनकी है। तो जो बाकी जो भूल चुक होगी उसके लिए माफ़ी। गाड़ी उधर खड़ी है, चलान कभी भी हो सकता है। गोरखपुर में रोशनी की कमी नहीं है। देख रहे हो गाइस, देख रहे हो सबके सब पुट्टी प्राइमर वाले सामान है। लोग खाए चिकन लेग पीस। गाइस ये लोग मुझे छोड़े खुद चिकन रोल खा लिया। गाइस तो 90% काम हो चुका है, बस आधे घंटे का और काम बचा हुआ है। इस काम को ख़त्म करके हम लोग निकलेंगे घर को। काफ़ी ज़्यादा थक गए भाई दिन भर से चलते चलते। अभी हम लोग ने एट द लास्ट सूटकेस ख़रीदा है यहाँ से, नानू के परिचित थे शायद जान पहचान के, तो इनके यहाँ से हमने अभी सूटकेस ख़रीदा है और बस सूटकेस ख़रीद लिया है। मामू गाड़ी लेने गया है, गाड़ी में सामान रख के निकलते हैं यहाँ से। एक जगह बस और रुकना है फिर ख़त्म करेंगे इस वीडियो को। चलो गाइस ये देख लो दोस्तों, गाड़ी का डिग्गी भर चुका है पूरा, ठीक है गाड़ी भरी भरी है। हेलो तो दोस्तों हमने शॉपिंग सारी कंप्लीट कर ली और हम लोग घर को निकल रहे थे।
टाइम हो गया है 9 बज गए हैं। पूरा दिन हम लोग का शॉपिंग में निकल गया, सब कोई काफ़ी ज़्यादा थक गए हैं। सानू मासी को हम लोग घर छोड़ दिया है और बस हम लोग निकल रहे हैं घर की तरफ। और मैं आपको ये एक झलक तो, ये रही वो अंगूठी जो देने वाले हैं हम लोग मामी को, मामू की तरफ से। ध्यान से देखिए इस अंगूठी को। तो अब बस घर निकल रहे हैं और अब आगे आपको दिखाने के लिए कुछ बचा नहीं है, तो अब आपको मिलेंगे अगले किसी वीडियो में। घर तो चलना है। चलो गाइस तो फिर ठीक है, चलते हैं। तो अभी सारी शॉपिंग पूरी हो चुकी है, अभी निकल रहे हैं घर के लिए। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और बेस्ट पार्ट क्या लगा वो भी बताइएगा। और बाय बाय।